अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। ओम शांति। भक्ति में मैं शिव का उपासना करते थे, शिवलिंग को गले में डालकर जो मॉर्निंग और रात को पूजा करने का पद्धति अपना परिवार में थे, ऐसी परिवार में मेरे को जन्म लिया। इसको तो कहेंगे कर्नाटक में वीरशैव कम्युनिटी व लिंगायत कम्युनिटी ऐसे कहता है, ऐसे कम्युनिटी में जो जन्म लिया, माता पिता ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर सभी वैसे घर में करते थे पूजा, मैं भी ऐसे करते थे। ऐसे जो करते 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 मेरे को ईश्वर को दर्शन करना इस मन में बहुत आ गया। आने के बाद मैं बहुत गुरुओं को पूछा, आप भगवान को ईश्वर को दर्शन किया हो तो मेरे को दर्शन कराओ, मेरे को बहुत इच्छा है। सभी बोलते थे अभी आप छोटा है, बाद में आपको पता हो जाएगा, अभी आप लोग पढ़ो 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 ऐसे बोलते थे। मैं अभी PUC करके बेंगलोर में BSc एग्रीकल्चर साइंसेस को मैं पढ़ने को स्टार्ट किया। दो वर्ष होने के बाद मेरे को ये संकल्प आया सारी एजुकेशन लेके क्या करेंगे, तो एजुकेशन के बाद कुछ नौकरी करेंगे, कुछ ना कुछ काम करेंगे, फिर क्या होगा, लौकिक में फैमिली जैसे हो जाएंगे। मेरा लाइफ में भगवान को पाने के लिए कुछ जो इच्छा है वो नहीं पा सकता, इसलिए तो सारे छोड़ के मैं हिमालय में जाके कोई तपस्वियों के साथ मिलके हो तो भगवान को दर्शन करने के लिए प्रयत्न करूं, ऐसे मेरे को संकल्प था। ड्रामा अनुसार तो एक दिन अखबार में सिटी में संडे प्रोग्राम में क्या कहाँ कहाँ क्या होता है ऐसे पेपर पढ़ने के समय ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय बेंगलुरु में, मैं बेंगलुरु में भी पढ़ते थे, ऐसे थे भगवान का साथ कैसे बात करना ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर दादी हृदय पुष्पा जी के प्रवचन था। मैं उसी समय मैं इसको नोट करके मैं ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय कहाँ है ऐसे मैं ढूंढ ढूंढ के गया, परंतु उसी समय में तो लेट हो गया तो प्रवचन कंप्लीट हो गए थे। फिर मैं दादी को मिलके पूछा आप इधर प्रवचन करते हैं, ऐसे अखबार में पढ़ के आया हूँ तो अभी प्रवचन कौन करेगा कहाँ करेगा ऐसे मैं पूछा। देख में से तो ये लोग क्रिश्चियन कम्युनिटी डेवलप करने वाला है ऐसे मेरे को उसके ट्रस्ट से मेरे पे सेशन कर पाया। तो बाद में आपस में बातचीत होने के बाद दादी ने पूछा आप 7 दिन आ सकते हैं क्या, हाँ आ सकता हूँ। दादी ने आप गारंटी मेरे को ये ऐसे टेक्निक्स हमको बता देना मैं कैसे ईश्वर के साथ बात करूँ, हाँ हाँ जरूर बताएंगे आप आओ 7 डेज आओ। ऐसे मैं 7 डेज गया, परंतु मेरे को उसी समय में इतना हिंदी भी अंडरस्टैंड नहीं होता था तो दादी को लोकल कर्नाटक की भाषा नहीं जानते थे। इस समय में हमें जाके सिंपली मेडिटेशन बैठते थे तो आश्रम में गया मैंने मेडिटेशन ही मेडिटेशन होता था, मेरे को कॉन्सेंट्रेशन बहुत होता था। सो सिर्फ उधर जाने से कॉन्सेंट्रेशन के कारण उधर तपस्या करने के लिए मैं जाते थे। ऐसे कम से कम 3 महीना में रेगुलर गया। बाद में एक आर्यभूषण ऐसे एक वेरी एजड पर्सन मोर देन 80 ईयर्स का एजड पर्सन तो उधर क्लास में आए थे तो मैंने उसका पूछा वो लोग तो हमको एक कल्पवृक्ष को एक्सप्लेन किया। उस समय थे कल्पवृक्ष था तो अपना त्रिमूर्ति चित्र गोला चित्र ऐसे कुछ कम चित्र थे तो हमको जो कल्पवृक्ष एक्सप्लेन किया मेरे को सचमुच ये कुछ हिस्ट्री जो बोल रहा है इधर बहुत ईजी है अंडरस्टैंडिंग वर्ल्ड हिस्ट्री होता है, ऐसे ऐसे मेरे को थोड़ा अच्छी लगा। सो आप ही भक्त थे आप ही देवता थे ऐसे ये भी अच्छा लगा।
फिर ऐसे ऐसे कंटिन्यू करके मैं बेंगलोर में जब तक पढ़ते थे उसी समय में ईश्वरीय मुरली को फॉलो किया। एक 1966 में बाबा ने मुरली में बताया, मैंने 1965 में आया, 96 में तो ऐसे आ गया, अभी 10 वर्ष में दुनिया विनाश होकर नया दुनिया जाएंगे, तो शांत करो आप लोग। तो मैंने समझा तो अभी टाइम तो है ये नहीं है, 1966 में प्रकृति चेंज हो जाता है, सारी दुनिया चेंज हो जाता है, इसलिए मेरे को बहुत संकल्प आया हम भी थोड़ा प्रसाद करना, इसलिए मैंने एजुकेशन छोड़ दिया, हम कुछ नौकरी करके सेवा करने के लिए मेरे को इच्छा था, तो नौकरी ढूंढते थे एजुकेशन छोड़ के। कभी कभी मैं आश्रम में जाते थे, दादी ने पूछा तुमको कॉलेज नहीं गया क्या, मैंने बोला दादी जी कॉलेज छोड़ दिया हूँ। क्यों छोड़ा, मैं अभी 10 वर्ष में नाश हो जाएंगे, आप लोग इतना वर्ष से प्रसाद कर रहे हैं, हम तो सेवक भी नहीं किया प्रसाद भी नहीं किया, इसलिए करने के लिए मैं छोड़ दिया हूँ। दादी ने पूछा तुम किसको पूछ के ये कॉलेज छोड़ दिया, तुम्हारे माता पिता को पूछा क्या, मेरे को पूछा, कौन बोला तुम कैसे छोड़ने के लिए, मैंने शिव बाबा बोल दिया ना, मैं तो छोड़ दिया, अभी 10 वर्ष है क्या करेंगे ऐसे। फिर दादी मेरे को कॉलेज में जाने के लिए बहुत कोशिश की, मैं तो अग्री नहीं किया, कॉलेज नहीं जाएंगे, नौकरी करेंगे, नौकरी ढूंढता हूँ ऐसे। फिर बाद में दादी ने बोला अभी आप डिसीशन नहीं लेना चाहिए, मन मत में नहीं चलो, तो बाबा को लेटर लिखो, बाबा आपको लेटर लिखेंगे, वो बाबा क्या लेटर लिखता है ऐसे अनुसार आप लोग चलो। तो साकार बाबा का मैं लेटर लिखा, लेटर लिखने के बाद बाबा से लेटर आया, बच्चे तुम्हारे जन्म पत्र का मेरे पास है, मैं जानता हूं क्या सेवा लेना, कब सेवा लेना, कैसे सेवा लेना, तुम्हारे जन्म पत्र को मेरे पास है, आप दोनों यूनिवर्सिटी में, बाबा के यूनिवर्सिटी में अलौकिक दोनों में पढ़ो, तो मैं बाद में आपकी सेवा लेंगे। तो ये लेटर आया, ये सुनकर मेरे को श्रीमत मिल गया, ऐसे समझकर फिर कॉलेज में जाने लगा। तो एक दो महीना कॉलेज में जाते थे, बाद में ये सोचा मैंने भगवान को लेटर लिखा तो उसी चले बाबा आता है, तो जब ब्रह्मा बाबा गद्दी पर बैठने के समय तो लेटर लिखता है, गद्दी के ऊपर बैठ के लेटर उत्तर नहीं लिखता है क्लास के समय में, तो बाबा आता है उसी समय वरण मुरली देता है। बाद में तो मेरे लेटर को तो ब्रह्मा बाबा लेटर दिखा होगा, ऐसे मेरे को संशय आ गया। तो मैं फिर कॉलेज छोड़ के नौकरी ढूंढते थे, दादी ने पूछा क्यों कॉलेज नहीं गया, नहीं दादी वो तो लेटर लिखा है ना, वो तो शिव बाबा नहीं है ब्रह्मा बाबा लिखा है, इसलिए मैं तो कॉलेज नहीं जाएंगे। बाबा बोला इतना संशय बुद्धि वाला हुआ है क्या आप, क्यों इतना संशय बुद्धि, नहीं नहीं वो तो शिव बाबा आता है गद्दी पर बैठने के समय में, बाबा आता है तो बाबा लेटर लिखता है अपना गुरु में बैठ के लेटर लिखता है, तो इसलिए तो ये ब्रह्मा बाबा का है ऐसे में। तो दादी को बोला दादी को मेरे को परिवर्तन करने के लिए बहुत ट्रिक है, पर मैं तो बहुत ही नहीं नहीं ब्रह्मा बाबा का लिखा है वो लेटर में, इसलिए नहीं मानता हूँ शिव बाबा लिखा है। ऐसे मुरली सुनते समय में एक दिन आ गया, ब्रह्मा का तन में जो भी डायरेक्शन आता है कोई संशय नहीं करना, मेरा डायरेक्शन है, मैं डायरेक्शन देता हूँ, ऐसे बाबा को मुरली में आ गया। उसी समय में मेरे को बहुत दुख हो गया, बाबा शिव बाबा डायरेक्शन को मैं उल्लंघन कर दिया, फिर कॉलेज में जाने लगा। ऐसे कॉलेज के कारण से कॉलेज पूर्ण हुआ, रायचूर ऐसे कर्नाटक में एक डिस्ट्रिक्ट है, उधर मेरे को एग्रीकल्चर एक्सटेंशन अफसर ऐसे गवर्नमेंट नौकरी मिला। उधर जाने के बाद बाबा का सेवा करने के लिए स्टार्ट किया, तो रायचूर में एक सेंटर बनाया, बाबा साकर वो थे उस समय में। तो बाद में मैं हुबली में आया, हुबली में आने के बाद भी सेवा करते करते करते
कर्नाटक वालों को तो भाषा की प्रॉब्लम होता है, बाबा का ज्ञान तो सबको सब समझाने के लिए मैंने ये अपना विश्व नवनिर्माण मंथली मैगजीन स्टार्ट किया, अपना भी एक प्रिंटिंग प्रेस डाला, सो कर्नाटक लोगों को सेवा करने के लिए लिटरेचर पब्लिश करने के स्टार्ट किया। तो कुछ ना कुछ उधर उधर सेवा करके करके कुछ 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 सेंटर्स ओपन करने के चालू किया, कुछ बहने को ट्रेनिंग करके उधर तो इंचार्ज जगह छोड़ के ऐसे तो सेवा से करते करते मेरे को स्टूडेंट लाइफ में ये संकल्प आए थे, इतना सुंदर ज्ञान हो तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में स्कूल कॉलेज में इसको इंट्रोड्यूस करना, ये संकल्प लेकर मैंने क्या किया गवर्नमेंट के द्वारा वैल्यू एजुकेशन ऐसे तो प्रोग्राम गवर्नमेंट के द्वारा सैंक्शन कराया, एलापुर रिट्रीट सेंटर है उधर 10 एकड़ एक रिट्रीट सेंटर है, और रिट्रीट सेंटर में जैसे इधर है ऐसे उधर भी एक अपना रिट्रीट सेंटर है, उधर कर्नाटका जैसे हाई स्कूल प्राइमरी स्कूल टीचर्स को सो प्री यूनिवर्सिटी लेक्चरर्स को वैल्यू एजुकेशन हम लोग स्टार्ट किया। उसी समय में हम मॉरल एजुकेशन ऐसे टाइटल था, तो वैल्यू एजुकेशन राजीव गांधी के समय में ये टाइटल बहुत चेंज हुआ, इसलिए सारे टीचर्स को 21 दिन अपना सेवा केंद्र में रहकर वो लोगों को सारे ईश्वरी नॉलेज को समझा के तो वो लोगों को अपना कॉलेज स्कूल में जाके उसको स्टूडेंट्स को बोलने के लिए तो बाबा ने मौका दिया, वो काम हुआ बहुत बरस तक हुआ। अभी अभी 5 बरस ड्रामा अनुसार गवर्नमेंट टीचर्स को नहीं भेजा, 1991 से कम 2015 तक रेगुलर हर एक बरस स्कूल टीचर्स को कॉलेज पीयू कॉलेज को लेक्चर्स को भेज देते हैं, ऐसे उधर प्रोग्राम चला। अभी बाबा का जो हफ्ता में 4-5 ज्यादा समय भगवदगीता का भगवान को सिद्ध करो, भगवदगीता का भगवान मैं हूँ, कृष्ण परमात्मा नहीं होता है, मैं हूँ परमात्मा, ऐसे बाबा ने जो इतना बरस से बोल रहा है मैं सुन सुन के मेरे को बाबा के पास ऐसे आत्मिक संभाषण करते थे, बाबा कैसे इसको सिद्ध करना, तो बाबा का वर्षंस तो है भले कोर्ट में सिद्ध करो आपस में पंडितों के पास सिद्ध करो, ऐसे कुछ डायरेक्शन था। मैंने तो पंडितों के पास जाके सिद्ध करने के लिए वेरी डिफिकल्ट होता है, कैसे सिद्ध करना, ऐसे सोच सोच के मैंने तो यूनिवर्सिटी के द्वारा कुछ करना ऐसे समझ कर वो भगवदगीता का भगवान ईश्वर उसका अवतार और कर्तव्य के बारे में टाइटल के बारे में एक थीसिस मैसूर यूनिवर्सिटी में PhD अप्लाई किया। तो थीसिस लिखने के बाद अलग अलग यूनिवर्सिटी से वो अप्रूव करके आया, तो इसके कारण से तो भगवदगीता का भगवान ईश्वर ईश्वर के अवतार और कर्तव्य ये टाइटल के अनुसार वो तो PhD मिला। फिर बाद में पहले भी मैं एग्जीबिशन डालते थे मधुबन में सारे एक सीजन में, तो परमात्मा का साक्षात्कार ऐसे कुछ 10 मंडप डाल के तो आत्म साक्षात्कार ऐसे उसको ऊपर भी एग्जीबिशन करते थे। जब ये दादी कुमार का दादी थे तो उस समय में मैं बहुत प्रोत्साहन दिए थे, करो 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 ऐसे एग्जीबिशन डालो डालो इधर ये करो ऐसे, तो उधर करते थे। बाद में तो बाबा ने मेरे को प्रेरणा दिया म्यूजियम बनाओ, मैं भी कैसे म्यूजियम बनाना कुछ पता नहीं, बाबा को साथ बात करते थे, तो फिर बाबा ने कैसे कराया तो पता नहीं, इतना बड़ा उसको म्यूजियम बाबा ने बना दिया। तो मानव के प्रयत्न का कितना तक होता है, भगवान की प्रेरणा भगवान की शक्ति भगवान का ज्ञान की रेफरेंस के द्वारा बाबा ने तो ये सारी कराया। साकार धरने में साकार व्यक्ति कोई चाहिए, इसलिए बाबा मेरे को ये चांस दिया, इसलिए मैं कितना बाबा को धन्यवाद तो बोलने से भी इसको कम है, इसलिए बाबा ऐसे कराया। इधर हुबली में भगवद गीता ज्ञान लोक आप जानते हैं,
उसका उधर भगवत गीता का नाम लो ऐसे विजन अभी चल रहा है। तो लास्ट मई में तो इसी दानलोक को कर्नाटक स्टेट के मुख्यमंत्री जो बसवराज बोम्मई है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का संसद का मुख्य संसद के मंत्री प्रहलाद जोशी ऐसे लोकल का दूसरा मुनीन को पाटिल और दूसरा तो डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर आचार्य ऐसे कुछ कुछ गण्य व्यक्ति आए थे। मधुबन से अपना ब्रजमोहन भाई जी आया, कुछ भाई बहनों में आया, तो संतोष दीदी तो मेरे रिक्वेस्ट से वो भी आया, मुंबई से दिल्ली से बहुत भाई बहने आया, ऐसे एकदम भारत के कोने कोने से कुछ भाई बहने आया। रामानुसर बाबा इसको उद्घाटन कराया अभी फर्स्ट अभी तो ये आर्ट एंड कल्चर विंग के द्वारा तो फर्स्ट ट्रिप प्रोग्राम नॉर्थ के भाई बहनों के द्वारा अभी चल रहा है। अच्छा धन्यवाद।